एसी परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसी परचेस करने से पहले हमें अपने घर के मीटर को अपग्रेड कराना पड़ता है, उसकी किलोवाट का जो कैपेसिटी है उसको बढ़वाना होता है। अगर हम उस चीज़ को नहीं बढ़ाते हैं और उस समय हम एसी का इस्तेमाल करते हैं तो हर महीने हमें ज़्यादा बिजली बिल पे करने पड़ेंगे, मतलब कि हर महीने हमारा यूनिट भी ज़्यादा आएगा और हमें पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। पेनल्टी मतलब कि हमें फ़ाइन भरना पड़ेगा। अब किस तरह का फाइन है, क्या है, कैसे हम इसको नहीं भर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप एसी परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं, तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तो पूरा जरूर देखिए, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए सभी लोग जानते हैं कि एसी जब चलता है तो उस समय वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे घर में मीटर लगा हुआ होता है उसमें हमें 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने की हमें परमिशन होती है। जैसे बिजली बिल जो जनरेट करने वाले जो बंदे होते हैं वो कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है ये तो देखते ही हैं, लेकिन उसमें एक मैक्सिमम डिमांड चार्ज भी वो चेक करते हैं। जैसे कि हमने परमिशन लिया हुआ है 1 किलोवाट यूज करने का, और हम 1 किलोवाट से अगर हम ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए भी, तो जब तक बिजली बिल जनरेट नहीं हो जाता है, जब तक उन बंदे को पता नहीं चल जाता है, तब तक वो उतना ही दिखाएगा। मतलब कि 1 किलोवाट से अगर हम ज्यादा यूज किए हुए हैं तो हमारे मीटर पर फ्लैश होते रहेगा कि हमने 1 किलोवाट से ज्यादा यूज किया हुआ है, या फिर 1.1 किलोवाट यूज किया हुआ है, या फिर 1.2 किलोवाट यूज किया हुआ है, जितना हमने यूज किया हुआ है उतना वो बताते रहेगा। तो बिजली बिल जो जनरेट करने वाले बंदे होते हैं वो कितना यूनिट के साथ साथ उतना वो एमडी भी चेक करते हैं। तो मान लीजिए हमारे घर हमारे एरिया में 5 रुपये प्रति यूनिट के बिजली बिल हिसाब से चलता है, तो 100 यूनिट अगर हमने यूज़ किया हुआ है तो 100 यूनिट का यहाँ पर 500 रुपये तो चार्ज जुड़ा ही जाएगा, लेकिन हमारे घर का जो मैक्सिमम डिमांड चार्ज था, एमडी जो चार्ज था, वो 1 किलोवाट का था। तो 1 किलोवाट में हमें चार्ज तकरीबन देना होता है 40 से 45 रुपये, लेकिन यहाँ पर हमने 1 किलोवाट से ज़्यादा का यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर 40 से 45 रुपये हमें पेनाल्टी भी भरने पड़ जाते हैं। मतलब कि एसी चलाने की वजह से हमें ऑलरेडी ज़्यादा यूनिट तो हमारे घर का कंज्यूम हो ही रहा है, लेकिन 40 से 45 रुपये हम और ज़्यादा पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने परमिशन लिया हुआ है कि 1 किलोवाट ही लोड चलाएंगे और यहाँ पर हम 1 किलोवाट से ज़्यादा का लोड चला रहे हैं। तो इस वजह से आप अगर एसी परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको पता ही है कि एसी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तो क्यों ना एसी परचेस करने से पहले ही हम अपने मीटर को अपग्रेड करा दें और 1 किलोवाट लोड से बढ़ा करके हम 2 किलोवाट करवा दें। यहाँ पर दोस्तों 1 किलोवाट से अगर हम 2 किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे घर का मीटर चेंज नहीं होता है। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में ये डिजिटल मीटर लगे हुए होते हैं, ये डिजिटल मीटर ही खुद ब खुद अपग्रेड हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। हमारे नॉर्थ बिहार में एक सुविधा नाम की एप्लीकेशन आती है जिससे हम घर बैठे ही हम अपने मीटर को अपग्रेड करा सकते हैं। हम चाहें तो 1 किलोवाट से 3 किलो में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, 2 किलोवाट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक और बेनिफिट भी है, अगर हम 1 किलोवाट से 2 किलोवाट में कन्वर्ट कराते हैं तो उसका एक जबरदस्त बेनिफिट भी है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। मान के चलते हैं कि 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल कटता है, लेकिन हमने परमिशन लिया हुआ है 1 किलोवाट यूज करने का। अगर हम 2 किलोवाट यूज करने का अगर हम परमिशन लेते हैं तो 5 रुपये प्रति यूनिट जो चार्ज होती है ये 5 रुपये से घट के इसकी प्राइस कम हो जाती है। जैसे कि हो सकता है कि 4.5 रुपये प्रति यूनिट भी कटने लगे या फिर 4 रुपये प्रति यूनिट भी हो जाए, लेकिन प्राइस जो है कम हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपके एरिया में प्राइस कितनी चल रही है। एक चीज़ और मैं आप यहाँ पर कहना चाहूँगा, डिपेंड तो इतना पर भी करता है कि 100 यूनिट से अगर हम कम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो उसके चार्जेस अलग लगाए जाते हैं, 100 यूनिट से 200 यूनिट तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके यूनिट चार्जेस अलग लगाए जाते हैं। तो इसलिए हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप एसी परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो पहले आप अपने घर के मीटर को अपग्रेड करा लीजिए, उसके बाद ही आप एसी को परचेस कीजिए, ताकि आप पेनाल्टी से भी बच सके और ज़्यादा बिजली बिल आने से भी आप बच सके। ओके गाइस, तो ये था कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। आई थिंक इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।